भगत सिंह की जन्म 28 सितंबर 1907 ललपुर पंजाब में हुआ। 10 की उम्र में कक्षा 9 तक पढ़ाई पूरी की। 12 की उम्र में जालियांवाला बाग हादसा देखा। वहाँ की खून भरी मिट्टी बोतल में बंद कर घर लेकर आए। 14 की उम्र में नेशनल कॉलेज लाहौर गए। पहली बार किसी छात्र को 10वीं किए बिना प्रतिभा के दम पर कॉलेज में एडमिशन मिला। 16 की उम्र में इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की। 16 की उम्र में शादी के लिए दबाव के चलते घर से भागकर कानपुर चले गए। 16 की उम्र में प्रताप नाम की पत्रिका में लेखन का काम, साथ ही अलीगढ़ के एक स्कूल में हेडमास्टर की नौकरी मिली। 19 की उम्र में नौजवान भारत सभा नाम की संस्था शुरू की। 20 की उम्र में पहली बार जेल गए। 21 की उम्र में लाला लाजपत राय जी की हत्या का बदला लिया। लाहौर से वेश बदल कर निकल गए। 21 की उम्र में सेंट्रल असेंबली, आज का संसद भवन में बम व अपने मिशन से जुड़े पैम्फलेट फेंके। 22 की उम्र में राजनीतिक कैदियों के हितों के लिए 112 दिनों की भूख हड़ताल पर बैठे, साथ में अपना केस भी लड़ा। केस के दौरान अलग अलग मौकों पर आवाज ना सुने जाने पर दो बार फिर भूख हड़ताल पर बैठे। 23 की उम्र में 23 मार्च 1931 को फांसी पर चढ़ गए। भगत सिंह को भारत के सबसे महान स्वतंत्रता सेनानियों में से एक माना जाता है। उनके बलिदान और साहस ने भारत की स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित किया। भगत सिंह के विचार और आदर्श आज भी युवाओं को प्रेरित करता है। आइए आज हम जानते हैं उनके विचार और आदर्श के बारे में। मैं एक मानव हूँ और जो कुछ भी मानवता को प्रभावित करता है उससे मुझे मतलब है। जिंदगी तो सिर्फ अपने कंधों पर जी जाती है, दूसरों के कंधे पर तो सिर्फ जनाजे उठाए जाते हैं। अगर अपने दुश्मन से बहस करनी है और उससे जीतना है तो इसके लिए अभ्यास करना जरूरी है। वे मुझे मार सकते हैं लेकिन वे मेरे विचारों को नहीं मार सकते। वे मेरे शरीर को कुचल सकते हैं, मेरी आत्मा को नहीं। मुसीबतें इंसान को पूर्ण बनाने का काम करती है। हर स्थिति में धैर्य बना कर रखे। मरकर भी मेरे दिल से वतन की उल्फत नहीं निकलेगी, मेरी मिट्टी से भी वतन की ही खुशबू आएगी।